ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ विशिष्ट त्रिकोण कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा के वैल्यू प्राप्त करने के लिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री या उससे ज्यादा कम, 270 डिग्री, यानी सभी कोणों के जो मान हो सकते हैं, विशिष्ट कोण जो 0 से 360 अंश के बीच में, उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आपको 0 से 90 डिग्री के तो वैल्यू याद हो गए होंगे, नहीं याद होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। जनरली सभी बच्चे जो 10th क्लास पास करके आते हैं उनको ये चीजें याद होती है। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो चार चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, तो पहले चतुर्थांश में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। और चौथे में कॉस और सेक। तो हम लोग कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि दूसरा चतुर्थांश किसका घर है? साइन और कॉसेक का। तीसरा किसका घर है? टैन और कॉट का। चौथा किसका घर है? कॉस और सेक का। और पहले में सब रहते हैं, घर मतलब उस जो जो पॉजिटिव है। पहले चतुर्थांश में कोण कहां से कहां तक होगा? 0 से 90 अंश, 0 to 90 डिग्री। दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 अंश। तीसरे में 180 से 270 अंश, फ्रॉम 180 डिग्री to 270 डिग्री। और चौथे में 270 डिग्री से 360 डिग्री। फिर देखिए, अगर आप वापस जाएंगे तो देख 360 में 90 ऐड करेंगे क्या होगा? 450। फिर 450 में 90 ऐड करेंगे 540। फिर उसमें 630, फिर 90 ऐड करें 720। इस तरह से बार बार एंगल रिपीट होते हैं, 90 डिग्री मतलब आप ऐड करते जाएंगे तो फिर हम लोग उसी क्वाड्रेंट में बार बार घूमते रहते हैं, उन्हीं चारों क्वाड्रेंट में घूमते रहते हैं। तो 360 डिग्री से ज्यादा के भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा आज की वीडियो को ध्यान से देख लें। लेकिन एक चीज जो आप 10th क्लास में पढ़े, थोड़ा वहां से शुरुआत करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। कैसे? ये देखिए, एक ट्रायंगल हमने बनाया है, इसमें ये एंगल कितना लिया? थीटा। समकोण त्रिभुज है तो ये अगर थीटा है, अगर पूरा 90 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? बीसी। कर्ण कितना है? ओबी। दिख रहा है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओए, क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ओए, और ओबी को ओबी रहने दीजिए। अब जरा इस त्रिभुज में आइए, तो इस कोण के लिए क्या हो गया? ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ओए आधार है, बेस है, और ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो जाएगा? ये आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जो लंब है इस त्रिभुज में थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए वही आधार हो जाएगा। ये लंब तो इसके लिए आधार, और जो इसके लिए लंब है वो इसके लिए आधार है। तो लंब और आधार अगर चेंज हो जाते हैं तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब पी और कर्ण एच। और अगर लंब आधार में बदल जाए तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। तो फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। टैन किस में बदल जाएगा? टैन क्या होता है? लंब बटा आधार। अगर लंब आधार में, आधार लंब में चेंज हो जाए तो आधार बटा लंब हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये cot थीटा। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? sec थीटा। तो ये आप 10th क्लास में पढ़े हैं।
तो आप इस बात को ध्यान दें, इस लाइन को ध्यान दें, 90 डिग्री और ये क्या है 270 डिग्री, इस वर्टिकल लाइन को ध्यान देना है, ये चेंज होने वाली लाइन है। इसके इधर या उधर जाएंगे तो साइन कॉस में, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन सेक कॉसेक में, और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। ये चेंजिंग लाइन देखिए, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, ये 270 है, 270 माइनस हो या 270 प्लस हो, इन स्थितियों में इसके वैल्यू साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और ये जो लाइन है 0 डिग्री या 180 डिग्री, इसके ऊपर जाइए या नीचे, या 360 भी आप कर सकते हो, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, इसके ऊपर नीचे जाइए या इसके ऊपर नीचे जाइए, तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, यानी इस पे कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे होंगे, इस लाइन के इधर उधर दाएं बाएं थोड़ा भी जाएंगे तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, और समझ गए। और इस लाइन के ऊपर नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगा। और चिन्ह परिपाटी तो आपको पता ही है कि कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में निगेटिव होता है। तो इस फैक्ट का यूज करके हम लोग तरह तरह के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की मांग ज्ञात कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यानी तरह तरह के वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे और उसके बाद किसी भी कोण के लिए मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, पहले इस फैक्ट को, पहले में कौन कौन पॉजिटिव होगा, सभी, दूसरे में साइन और कॉस कितने अंश के लिए, 90 से 180 अंश के लिए, तीसरे में किसका कर रहे हैं, टेन और काट का, इसमें ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चार निगेटिव होंगे, वो हम नहीं लिखे। पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि क्यों पॉजिटिव होते हैं, इसको आप पिछले वीडियो को जाकर के देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, जो लोग नहीं देखे हो पिछले वीडियो को जाकर के देख लें, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, फिर हम लोग अगले अभी इसको स्टडी करेंगे कि इससे आगे के कोण होंगे तो उसके वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके।